Please don't forget to like and subscribe, and do hit the bell icon. Class 9th, worksheet number 56, date 21st November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. You have read an inspiring poem.

पढ़ी इस पोम में डिस्कस किया गया था आइडिया ब्रदरहुड और इक्वेलिटी का भाईचारा और एकता इसके बारे में बताया गया था इस पोम में और पोइट ने हमें सजेस्ट किया कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी हम रहे किसी भी कंट्री में रहें कोई भी लैंग्वेज बोले लेकिन जितने मर्जी डिफरेंसेस हों लेकिन फिर भी हम सब एक हैं तो आइए जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम सेकेंड क्वेश्चन डू यू थिंक द हेटरेड अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स इज जस्टिफाइड क्या आपको लगता है कि जो लोगों के बीच में ह्यूमन बींग्स मानव के बीच में जो आपस में हेटरेड है घृणा है क्या वो जस्टिफाइड है क्या वो ठीक है क्यों हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ पोइट की अकॉर्डिंगली हम किस तरह से अपनी अर्थ को डिफाइल करते हैं खराब करते हैं दूषित करते हैं वॉट इज द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज़ ट्राइंग टू कन्वे इस पोएम में क्या यूनिवर्सल मैसेज दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर्टी वर्ड्स के हैं द पोएट सजेस्ट

वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सच फ्रेजिज़ इलेबोरेट पोट सजेस्ट करते हैं कॉमन फीचर्स जो कि सेकेंड स्टैंडा में हैं कि सभी में क्या है कि हम पावरफुल थाट्स हैं हमारे पास हम लोगों के हैंड्स जो हैं वो सबके एक जैसे हैं और सब जगह जो मेहनत होती है वो समान है वहाँ की मेहनत जैसी है वहीं इसी तरह की मेहनत हमारे यहाँ होती है इन सब का सिग्निफिकेंस इन फ्रेजेस का क्या है इसे हम इलेबरेट करेंगे ये है थर्टी फोर्टी वर्ड्स के थे क्वेश्चन अब है नेक्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस आंसर इन अबाउट हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स सीमा एंड सोहेल आर क्लास नाइन स्टूडेंट सीमा और सोहेल क्लास नाइन के स्टूडेंट्स हैं दे स्टडी एट अ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल वो एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं रिसेंटली दे गॉट टू ट्रैवल टू रशिया उन्हें ट्रैवल उन्होंने ट्रैवल किया वो गए रशिया ऑन अ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम उन्हें एक स्कॉलरशिप पे वहाँ भेजा गया जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम था कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जा सकते थे दे विजिटेड डिफरेंट रशियन स्कूल्स वो वहाँ के रशियन स्कूल्स में गए दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरक्ट विद रशियन स्टूडेंट्स उन्हें रशियन स्टूडेंट्स से बात करने का मौका मिला दे रियलाइज उन्होंने रियलाइज किया दैट डिस्पाइट सर्टन कल्चरल डिफरेंसेस कि चाहे उनमें आपस में सांस्कृतिक डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी इन डिफरेंसेस के होते हुए भी एंड डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल फीचर्स फिजिकल फीचर्स मतलब उनके नए नक्शे थोड़े अलग हैं रशियन स्टूडेंट ऑल्सो फेस्ड सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट्स लेकिन जो रशियन स्टूडेंट्स हैं उनको भी उन्हीं सभी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को करना पड़ता है लेट अस राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स फ्राम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस आप हम एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में हैं वो तो किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफरेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं ठीक है वी में फोकस ऑन फिज़िकल फीचर्स हमें बताना है कि उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं एम्स क्या हैं एस्परेशन्स क्या हैं फीलिंग्स और इमोशन और उनके टेस्ट इन सब के इन सब को डिस्कस करते हुए हम उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताएंगे तो चलिए अब इनके आंसर्स लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल द पीपल ऑन अर्थ आर द सेम पोएट कैसे सजेस्ट करते हैं कि इस अर्थ पर रहने वाले सभी लोग जो हैं वो समान हैं वी ऑल आर एलाइक हम सब एक समान हैं। वी हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक है ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ सन टू गेट सन लाइट एंड वार्म एंड वाटर फॉर मैनी पर्पजेज हम सबको एयर चाहिए होती है सांस लेने के लिए सन चाहिए होता है सनलाइट और गर्मी के लिए और वाटर चाहिए होता है बहुत सी पर्पजिस के लिए बहुत से आ, काम के लिए आवर डेली रूटीन इज ऑलमोस्ट द सेम और हम सबका डेली रूटीन भी सेम होता है क्वेश्चन नंबर टू डू यू थिंक द हेटरेट एमंगस्ट ह्यूमन बींग इज जस्टिफाइड वाई जो ह्यूमन बींग्स आपस में घृणा करते हैं क्या वो जस्टिफाइड है क्या वो ठीक है? है क्यों नो हेटरेड एमंगस्ट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड वो जस्टिफाइड नहीं है ऑल पीपुल इन द वर्ल्ड आर लाइक आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सभी लोग इस वर्ल्ड में हमारे भाई और बहन हैं देयर आर नो एनिमीज और स्ट्रेंजर्स टू बी अफ्रेड ऑफ ना कोई हमारा दुश्मन है और ना ही कोई हमारा हमारे लिए स्ट्रेंजर है जिससे हमें डर लगे क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ एकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ ह्यूमन अर्थ को हम किस तरह से डिफाइल करते हैं खराब करते हैं पोएट इसके बारे में क्या कहते हैं वी डिफाइल द अर्थ बाय कंसिडरिंग अदर ह्यूमन बींग्स एज आवर एनिमीज आउटसाइडर्स एंड फॉरेनर्स बाय डिवाइडिंग आवर अर्थ इन टू कंट्रीज एंड बाई डिवेलपिंग एनमिटी अगेंस्ट एन अदर ग्रुप ऑफ पीपल हम अपनी अर्थ को डिफाइल करते हैं खराब करते हैं जब हम दूसरे ह्यूमन बींग्स को अपना एनिमी समझने लगे यानी दुश्मन समझने लगे आउटसाइडर बाहर का समझने लगे या फॉरनर समझने लगे विदेशी समझने लगे या अपनी अर्थ को डिवाइड कर दें अलग अलग कंट्रीज में और बाय डेवलपिंग एनमिटी आपस में हम दुश्मनी पैदा कर लें अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों से जब दुश्मनी पैदा कर लेते हैं तो इस तरह से हम अपनी कंट्री को अपनी जो अर्थ है इसको हम डिफाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे पोएम जो है इसमें इसमें जो ये पोम है ये क्या मैसेज यूनिवर्सल मैसेज देना चाहती है द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस रिलीजन और रीजन वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स पोएट कहना चाहते हैं कि कोई भी मत मत मतभेद नहीं है भेदभाव नहीं है लोगों के बीच में ऑन द बीस बेसिस ऑफ देयर अपेयरेंस उनकी अपेयरेंस को देखते हुए उनके रिलीजन को देखते हुए या उनके रीजन को रीजन मतलब किस क्षेत्र से हैं रिलीजन मतलब किस धर्म को मानने वाले हैं ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतभेद नहीं होना चाहिए और वी हाँ, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं मानव तो ये थे हमारे ट्वेंटी थर्टी वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स अब हम जो आंसर्स करेंगे वो थर्टी फोर्टी वर्ड्स के बीच में हैं फर्स्ट क्वेश्चन द पोइट सजेस्ट फाइव वेज इन विच ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक पांच तरीके जिससे पता चलता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे हैं वॉट आर दोज वेज वो वेज क्या है इन द फर्स्ट एंसर द पोइट सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ सिटीजन

हम सब की एक जैसी बॉडी है हम सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं और हम एक जैसे प्लेनेट पर वॉक करते हैं और हर व्यक्ति का एंड जो है हर एक इंडिविजुअल का एंड जो है वो सेम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द पोइट सजेस्ट कॉमन फीचर्स इन स्टैंड टू सच एज फेड बाय पावरफुल थॉट्स, देयर हैंड्स आर आवर हैंड्स आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सच फ्रेजिज इस तरह के फ्रेजिज़ के क्या सिग्निफिकेंस हैं समझाएँ देयर हैंड्स आर आवर हैंड्स मीन्स दैट पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज हैड्स जस्ट लाइक आवर्स कि जो दूसरे कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनके हाथ भी हमारी तरह हैं विच टॉयल हार्ड टू अर्न अ लिविंग जो बहुत मेहनत करते हैं अपना जीविका कमाने के लिए देयर लाइन्स मीन्स

थ्रू आउट देअर लाइफ्स जस्ट लाइक अदर जस्ट लाइक अस जिस तरह से हम बहुत मेहनत करते हैं दूसरों देशों के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स सीमा एंड सोहेल आर इन क्लास नाइन्थ नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं दे स्टडी एट अ गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं रिसेंटली दे गॉट अ गॉट टू ट्रेवल टू रशिया ऑन अ स्कॉलरशिप ऑफर्ड फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम एक एक स्कूल से जैसे दूसरे स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल्स में जाते हैं एक्सचेंज होता है ना इसी तरह से एक कंट्री के बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे कंट्री के स्कूल्स में जाते हैं तो इस तरह एक एक्सचेंज प्रोग्राम में उन दोनों को जाने का मौका मिला दे विज़िटेड डिफरेंट रशियन स्कूल्स वो रशिया के डिफरेंट स्कूल्स में गए दे गॉट एन अपरचुनिटी टू इंटरैक्ट विद रशियन स्टूडेंट्स उन्हें एक अपरचुनिटी मिली रशियन स्टूडेंट से बात करने की दे रियलाइज दैट डिस्पाइट सर्टन कल्चरल डिफरेंस एंड डिफरेंस इन देयर फिजिकल फीचर्स रशियन स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट्स तो क्या हुआ कि उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत सा कल्चरल डिफरेंसेस होने के बावजूद मतलब रशियन और इंडियंस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस में उनके खाने पीने में लेकिन फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ के स्टूडेंट्स की तरह ही जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नाव लेटर्स राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्राम डिफरेंट रीजन्स फ्राम द वर्ल्ड माइट बी डिफ़रेंट और सिमिलर टू अस अब हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसमें हम बताएंगे कि डिफरेंट रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग रीजन से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनमें आपस में किस तरह से विभिन्नताएँ होती हैं और किस तरह से समानताएँ होती हैं और हमें किस बात पर फोकस करना है ऑन देअर फिजिकल फीचर्स कि देखने में कैसे हैं एम्स क्या हैं उनके एस्पिरेशंस क्या हैं फीलिंग्स क्या हैं उनकी उनके इमोशंस और उनका टेस्ट क्या है इन बातों को फोकस करते हुए हमें यह आंसर लिखना है स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और कंट्री आर सिमिलर टू ईच अदर एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं डिस्पाइट बींग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर में चाहे वो डिफरेंट हैं एक दूसरे में एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं लेकिन फिर भी उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं नो no डाउट कोई डाउट नहीं है जोग्रफ़ी रिलीजन्स कल्चर्स एंड रेसिस डिवाइड लैंड्स एंड पीपल कि कहाँ लोग रहते हैं किस रिलीजन को मानते हैं कैसा उनका कल्चर है किस तरह के उनकी प्रांत है या किस तरह की उनकी जातियाँ हैं इन सभी के आधार पर उनके लैंड्स जो हैं अलग अलग और लोग अलग अलग बंट जाते हैं दीज डिविजन्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वार्स और ये जो डिविजन्स हो जाते हैं इनसे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं झगड़े होते हैं लड़ाइयाँ होती हैं सच मैन मेड डिफ्रेंसिज पोल्यूट द माइंडस ऑफ पीपल और इस तरह के जो मैन मेड जो डिफरेंस होते हैं वो पोल्यूट करते हैं लोगों के दिमाग को वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट डिफाइल द अर्थ और जो ये लड़ाइयाँ होती हैं जो युद्ध होते हैं इससे जो अर्थ है वो हमारी ख़राब होती है विच इज़ आवर्स जो हम सब की है बीनीद ऑल दीज डिविजन्स एंड डिफरेंसिस वी शुड अंडरस्टैंड एंड रिकोगनाइज कॉमन लाइफ विच इज़ सेम ऑन एवरी लैंड इन सभी डिफरेंसिस के होते हुए भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम सबकी लाइफ जो है वो सेम है हेटिंग द पीपल ऑफ अदर लैंड्स मीन्स हेटिंग ह्यूमैनिटी एंड मैन काइ अगर हम दूसरे प्रदेश के लोगों से हेट करते हैं तो इसका मतलब हम ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड से हेट कर रहे हैं ऑल मैन लिविंग ऑन अर्थ लिव एंड डाई द सेम वे सभी लोग जो इस अर्थ पर रहते हैं उनका जीवन होता है और फिर मृत्यु होती है सबकी दे शेयर द सेम फेट सबका अपना भाग्य होता है बिनीथ डिफरेंट काइंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेज एंड फेसेस ऑल हैव दार्ट ऑफ अ मैन अलग अलग तरह के हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं अलग अलग तरह के फेसेज हैं लेकिन हम सबके हार्ट जो है सबके एक जैसे हैं वाइल्ड दे लिव दे वॉक ऑन द सेम अर्थ जब तक हम रहते हैं हम सब एक ही जमीन पर चलते हैं आफ्टर देयर डेथ और मरने के बाद दे विल बी बर अंडर द सेम अर्थ सभी इस पृथ्वी के नीचे दफन हो जाते हैं द एपरेंट डिफरेंस ऑफ लैंडस एंड रेस आर ओनली सुपरफिशियल एंड नॉट रियल इसलिए अगर लैंड्स या रेस जात के आधार पर जो हमारा जो डिफरेंस है हमारा आपस में वो एकदम सुपरफिशियल है बेकार है ऊपरी है रियल नहीं है असली नहीं है नेचर नेवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन एंड क्योंकि जो नेचर है जो प्रकृति है वो आदमियों और आदमियों के बीच में मतलब एक देश के दूसरे देश से पूरे वर्ल्ड के एक दूसरे देश के लोगों में आपस में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता जो प्रकृति है वो कभी भी भेदभाव नहीं करती। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट्स जो लेंदी थी लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग अब आपके लिए कैब मैसेज है टू सेफ टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वी आर अ मास्क आपको सेफ रहने के लिए कोविड नाइन्टीन में क्या करना है हमेशा मास्क पहनना है आई होप You enjoyed the session. Thank you. Have a great day.